मंदसौर नगर पालिका ने सोमवार को नामांतरण वितरित किए। नगर पालिका द्वारा समारोह पूर्वक सभी को नगर पालिका बुलाया गया और उनके नामांतरण वितरित किए गए, जिसमें विधायक यशपाल सिंह सौदिया, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी, वंशलाल गुर्जर, नगर पालिका उपाध्यक्ष नम्रता प्रतीश चावला और सभी पार्षदगण मौजूद रहे। यशपाल सिंह सौदिया ने मीडिया को बताया कि नामांतरण आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपके हाथ एक समारोह पूर्वक कार्यक्रम किया गया, उसकी मैं सराहना करूंगा। करीब 500 लोगों को एक साथ नामांतरण पत्र वितरित किए जाने पर मुझे बहुत खुशी है, मैं अभिनंदन करूंगा। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कि नागरिकों का जो अधिकार है वो उनको बुलाकर कम समय में वितरित किए गए। नामांतरण होगा तो बैंक से ऋण भी मिल सकता है, भवन निर्माण अनुमति नहीं मिलेगी, नल कनेक्शन नहीं मिल पाएगा, तो नामांतरण बहुत जरूरी है। विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने अपने हाथों से नामांतरण की कॉपी वितरित की। नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी वंशलाल गुर्जर ने बताया कि कई दिनों से पेंडिंग रुके हुए नामांतरण थे, मन में एक पीड़ा थी कि हमारे शहर के रुके हुए काम को आज पूरा किया जाए, और इसलिए बहुत खुशी भी है कि नगर के लोगों भाई बंधुओं को अपना अधिकार प्राप्त हुआ। आज लगभग 500 नामांतरण प्रमाण पत्र यहाँ बांटे जा रहे हैं, उसमें हमारे सम्मान्य विधायक जी पधारे थे, उपाध्यक्ष, हमारे सभी पार्षद भाई बहन और सभी PIC के सभी सभापति, ये सब आए थे। और हमारा केवल इतना सा ही, सबसे जो नामांतरण पत्र कई दिनों से ही पेंडिंग रखे थे और उसमें निर्विवाद जो भी नामांकन पत्र हमको करना थे, तो वो मन में एक बड़ी पीड़ा थी कि बहुत दिनों से हमारे रहवासी, हमारा आशीर्वाददाता परेशान हो रहे थे, इसलिए आज हमने इकट्ठे 500 नामांतरण के प्रमाण पत्र देने का जो संकल्प लिया था उसमें सब पधारे और सभी नामांतरण लेने के लिए भी हमारे नागरिक बड़े उत्साह के साथ आए और आज उनका सबका वितरण हमने सबने यहाँ किया है। देखिए, नामांतरण जनता का अधिकार है और आपका नामांतरण आपके हाथ, नगरपालिका परिषद ने अभी जो परिषद का नई नव गठित परिषद का गठन हुआ है और उसके अंतर्गत अगर अल्प समय में 500 लोगों को इकट्ठा सूचना दे करके और उनका अधिकार पत्र, नामांतरण पत्र यदि दिए जाने की यहाँ पर एक समारोह पूर्वक कार्रवाई की, तो मैं अभिनंदन करूँगा अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, पूरी टीम का, कि जिन्होंने नागरिकों का जो एक अधिकार है और लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत समय सीमा सुनिश्चित है। पिछला 2 साल का कोरोना का काल अगर आप जोड़ेंगे तो कई लोगों के नामांतरण पेंडिंग हो गए थे। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के समय में प्रशासक कलेक्टर हुआ करते थे तो 15 महीने उनके निकल गए, प्रशासक के कार्यकाल में उतना काम नहीं हुआ। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की परिषद जब से बैठ गई है तब ये सिलसिला शुरू हो गया। आज मेरे को अध्यक्ष जी ने बताया कि आज के ही PIC में 600 और प्रकरण ऐसे हैं जो कंप्लीट हैं, उनके ऊपर PIC को मोहर लगानी है और नामांतरण उनके अधिकार में चल जाएगा। मैंने अपने स्पीच में भी कहा है कि नामांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नागरिक का हक है और अधिकार है, और नामांतरण होगा तभी तो उसको रजिस्ट्री होगी। नामांतरण नहीं होगा तो भवन अनुज्ञप्ता नहीं मिलेगी, उसको नल कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो नामांतरण करने के बारे में बहुत हमको चिंता करना चाहिए, क्योंकि नामांतरण के बाद ही बैंक लोन देती है, नल कनेक्शन होता है, भवन अनुमति मिलती है। तो नामांतरण बेसिक चीज़ है और नामांतरण में अगर आप विलंब करते हैं तो मैं समझता हूँ कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम है उसका भी आप कहीं ना कहीं मखौल उड़ा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, पूरी PIC और पूरी परिषद के साथ साथ अधिकारी और कर्मचारियों पर इस बात की लोक सेवा गारंटी में अधिकारी और कर्मचारियों पर समय सीमा सुनिश्चित है। जिस प्रकार से सिटीजन चार्ट हुआ करता था उस प्रकार से 2010 से लोक सेवा गारंटी अधिनियम लग गया है और लोक सेवा गारंटी अधिनियम में भवन अनुज्ञप्ता, नल कनेक्शन, नामांतरण, इनकी सबकी समय सीमा है। और जो अधिकारी कर्मचारी अगर विलंब करता है तो उसके वेतन में से पैसा कट करके उस हितग्राही के खाते में जाता है जिसने जानबूझ करके फाइल को विलंबित किया है। मंदसौर से PD बैरागी की रिपोर्ट।